नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ध्यान दें कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है अलंकार का, तो अलंकार में देखिए बहुत अलंकार होते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ पे ये जो अलंकार है वो परीक्षा, इसके बाद आपको मुश्किल से एक या दो अलंकार पढ़ने, बाकी अलंकार क्लियरली पूरा हो जाएगा। आप क्लियर ट्वेल्थ में जहाँ तक भी अलंकार काव्यखंड में आएंगे वो सभी आपके पूरे हो जाएंगे और आप ठीक प्रकार से याद भी कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देखिए अभी जो अलंकार पढ़े जा रहे हैं तो परीक्षा, इसके अपने लास्ट वीडियो में नीचे मैंने नाम लिखा था परीक्षा पढ़ने के लिए। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जो हमारा उत्तर परीक्षा है, तो नाम देखिए मैं कह रहा हूँ कि अलंकार के नाम से ही हमें अर्थ निकालना होता है। उपमा है तो उसमें आप जानते हैं कि छोटी वस्तु की बड़ी वस्तु से या साधारण व्यक्ति की विशेष व्यक्ति से तुलना करते हैं, उसके बराबर से मानते हैं। यमक में दो शब्द आते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। यमक चमक से बात कर रहे हैं। श्लेष में एक शब्द है, बार बार अर्थ बताता है, ठीक है। उससे पहले अनुप्रास था, तो वो सब अब धीरे धीरे उसमें सब में अर्थ था। यहाँ थोड़ा सा अलग है, अलग कैसे है, देखिए उत्प्रेक्षा नाम दे दिया है अलंकार, तो ये वास्तविकता थोड़ा अलंकार अलग है, बाकी लगभग अलंकारों में उसके नाम से ही आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखने की बात ये है कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहेंगे, जबकि बहुत अधिक काम आता है कि जहाँ उपमेय और उपमान, ये दो चीज मैं आपको फिर बता चुका हूँ और वापस सुन लीजिए, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय होता है साधारण व्यक्ति वस्तु या इससे आप विशेष या विशेष से, ये विशेष है और ये विशेष से होता है बात करते हैं, तो उपमेय साधारण व्यक्ति वस्तु हो गए और उपमान है विशिष्ट व्यक्ति वस्तु होता है। जैसे मान लीजिए जो मुख है वो उपमेय है और जो चंद्रमा है या चंद्र है वो उपमान है, ठीक है। तो चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाले, चंद्र के समान चेहरे वाले, तो उपमेय तो मुख हो जाता है, चेहरा हो जाता है, वो उपमेय है, साधारण वस्तु साधारण है, और उपमान विशिष्ट वस्तु होती है। जब एक छोटी या सामान्य वस्तु की बड़ी वस्तु से तुलना करते तब उपमा होता है। यहाँ पर क्या है कि उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, लेकिन समझने की बात यह है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, बस ये ही हमारे को समझना देखना है। उपमान में क्या था कि आपने देखा कि ये अलग है, ये अलग है, इसकी यानी उपमेय की उपमान तुलना कर रहे थे। रूपक में क्या था, दोनों को एक कर दिया, रूप धर दिया, मतलब पता नहीं चल रहा है कि उपमेय कौन और उपमान कौन है। रूपक वो भी कैसे, अभेद रूप से दोनों को इस कदर मिलाया जाए कि समझ में नहीं कि हमने क्या क्या मिलाया था, ठीक है। तो रूपक अलंकार का अलग कारण था। तो उपमा, रूपक और ये उपरेक्षक, इन सब में आपको देखने को मिल रहा है कि उपमेय उपमान उपमेय उपमान। तो मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, इसलिए ध्यान से सुनना कि उपमा में जो है वो तो ये छोटी रहती है और ये बड़ी वस्तु है, और इसका हम इससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं और दोनों की समानता बताने का प्रयास करते हैं। रूपक में दोनों को मिला जुला रूप कहते हैं कि उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप हो जाता है, रूप धर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कई बार आप देख रहे हैं कहीं जा रहे होते हैं तो वहां देखिए कोई कंस्ट्रक्शनकारी जो आप हैं, आपके मित्र का घर बन रहा है, लेकिन किसी कारणवश घर काफी लंबे समय तक चल रहा है कि देखिए अभी करीब एक साल हो गया है उनका घर का कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो आप उससे ऐसे कमेंट कर देते, मजाक कर देते कि अरे भैया ताजमहल का पूरा होगा। तो ताजमहल तो आपने बहुत सुंदर कृति का नाम है, बहुत सुंदर इमारत का नाम है, तो उस घर को आपने क्या मान लिया, ताजमहल, अरे भैया ताजमहल का पूरा होगा, ठीक है। तो वैसे आपको बता दो ट्वेल्थ क्लास के हिसाब से ये ताजमहल का पूरा होगा, ये व्यंजना संपत्ति का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में और उत्प्रेक्ष अलंकार में जहाँ पे उपमेय उपमान का बार बार शब्द आएगा तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उपमा से शुरुआत करते हैं, तो उपमा का मतलब है कि छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु की पदवी दे रहे हैं, इसका मतलब है तुलना कर रहे हैं, तो उपमान तो उपमेय अलग है, उपमान अलग, ये छोटी ये बड़ी, ठीक। चलिए रूपक में क्या था कि इसके ऊपर इस उपमान का आरोप कर देते हैं। जैसे मैं कह दूं, जैसे मान लीजिए जो कलम है, ये पेन है, मैं कह दूँ ये मेरी रोजी रोटी है या ये मेरे सपने, ये मेरी जिंदगी, मैंने इस छोटी सी वस्तु में सब कुछ मान लेता हूँ अभेद्य रूप से, ठीक है। तो वही बात क्या है कि उपमेय, मान लीजिए आप एक बिल्कुल सीधे एग्जाम्पल समझे, वो ला के हिंदी के तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हिंदी के उदाहरण आप लेते हो तो ठीक समझा दिए, लेकिन अलग से आ जाए तो मैं चाहता हूँ कि आप समझे। मान लीजिए कि आपके पास एक बाइक है, ठीक है, तो उस बाइक को आप कहते कि मेरे लिए तो ये स्कॉर्पियो है, ये ही लग्जरी गाड़ी BMW है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि आपकी जो व्हीकल, आपकी जो बाइक है, तो
उसको हमने क्या कह दिया, बीएमडब्ल्यू कह दिया, तो उस बाइक का अर्थ तो समाप्त हो गया, आपके लिए क्या हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई। तो कहने का मतलब है कि छोटी वस्तु होती है उसको बड़ी वस्तु का आरोप कर देते, ऐसे करते हैं कि उसका खुद का समाप्त हो जाता और बड़ी वस्तु का मान लिया जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, रूपक हो जाता है। और छोटी की बड़ी तुलना करें या उपमा दे सासी से उधर से ये लगाए तो वो क्या हो जाता है, उपमा, और आरोप लगा दे तो रूपक। और यहाँ पे थोड़ा अलग है, क्या अलग है देखिए, ये और भी सरल है। अब बेट्रिक्स की बात करें तो से सा सी जैसा जैसी और इव है सदृश से है सरी से, वो जा रहे थे किसमें, वो उपमा में जा रहे थे, ठीक है। और रूपक में रूपी शब्द आता है, चांद रूपी चेहरा है, बात करते हैं इसमें क्या है, इसमें भी आपको कुछ ट्रिक्स मिलेंगे, वो क्या है देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की, उत्प्रेक्षा की परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान की संभावना, देखिए एक संभावना होती है और एक आशंका होती है, यह संभावना की बात करेंगे। वैसे आशंका आपको बता चुका हूँ कई क्लासेस में, और बहुत जल्दी हम आमने सामने होंगे क्लास हाउस में, क्लासेस में, तो उस समय भी आपको बताया जाएगा। आशंका हमेशा बुरे की जाती है और संभावना हमेशा अच्छे की जाती है, ठीक है। इस मामले में भी बात करें कि स्कूल खुलने की क्या है, आशंका है संभावना, संभावना क्या है, आशंका तो बुरे की होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, और ये मान के चलिए डॉक्टर से बिल्कुल कह सके कि अब ये कुछ दिनों मेहमान घर ले जाइए सेवा कीजिए, तो कुछ व्यक्ति कह देते कोई इनके अब ठीक होने की संभावना नहीं के बराबर है, तो संभावना तो है लेकिन संभावना अच्छी कि नहीं आना कि वो कह नहीं सकते, बाकी वो बहुत भयंकर घटना चढ़ रही है, तो बोल सकते कि अब बाढ़ की आशंका, संभावना नहीं लेंगे तो बाढ़ आएगी तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ नुकसान होगा, बुरा होने वाला है, ठीक है। कोई महामारी फैल रही है तो ये तो कोरोना है, तो ये एक बुरी आशंका है, ठीक है। तो बुरा होने का जो अंदेशा रहता है उसे आशंका कहते हैं, और बहुत दिन के बाद इस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, इसके फेल होने की आशंका है, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई बोलते हैं इसके पास होने की संभावना है, तो पॉजिटिव में जाते हैं तो संभावना होती है, नेगेटिव में जाते हैं तो आशंका होती है। यहाँ क्या कर रहे हैं, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करेंगे, और आप जानते हैं संभावना फिक्स नहीं होती है, 99% होता है कि हो भी सकता है और 1% भी नहीं हो सकता, तो संभावना बनी तो फिर वो फिक्स हो जाता। तो उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन करते हैं वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये तो परिभाषा समझे नहीं आप, खैर कोई बात नहीं, परिभाषा समझ रहे हैं, उपमेय के ऊपर उपमान की संभावना का वर्णन करें बस। अब बात करें इसकी उत्प्रेक्षा के लक्षण क्या होते हैं, देखिए वाली बात है, एडजेक्टिव कहिए, यदि पंक्ति में जो बोलते ना जो, और मानो जानो एव मनो जनु आदि शब्द आते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा, ये ऐसी बात है। टेक्स्ट बना सकते हो मनो मानो जनु जानो, ऐसे दो टेक बना लेंगे, मनो मानो जनु जानो एव और जो, ये इस प्रकार के शब्द आ गए हैं, जैसा जैसी नहीं करने इसमें, ठीक है। चलिए तो जो हो गए इसलिए बात हुई है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे होता क्या है कि जो उपमेय होता है उसको लेकर हमारे मन में संभावनाएं होती हैं, या शायद ऐसा हो सकता है, शायद पर्याप्त बात करते हैं। देखिए इस यहाँ पे उदाहरण है कि पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती का नाम आप जानते हैं, चित्तौड़गढ़ जो किला है उसमें पद्मावती रत्नसेन आपने सुना होगा, तो इनकी वीरता की बात करते रंगना जो है ये, तो पद्मावती सब सखी बुलाई जनो फुलवाड़ी सब चली आई। तो आप जानते हैं कि जब वहां पे रतन सिंह है वहां किसी द्वारा बंदी बनाए जाते हैं तो वहां उनका तो आना असंभव सा लग रहा है, तो पद्मावती वहां क्या करती है, जौहर करने के लिए सभी सखियों को बुलाती है, अपने पास बुलाती है, और फिर वहां पे अग्निकुंड जला करके अपने आप को आहुति के रूप में देती, जौहर उसे कहते हैं। तो इस रानी का जब इस राजकुमारी का जो पति राजा है वो क्या करता है, युद्ध में मारा जाता है, तो जो जीतने वाला राजा वहां पर आकर के वहां की तमाम वस्तुओं को, चाहे भौतिक वस्तु है हीरे जवाहरात मोती महल या जो महिलाएं होती है, सबके ऊपर उस जीतने वाले राजा का अधिकार हो जाता है। तो ऐसे में कुछ रानियां जो होती हैं क्या करती हैं, अपनी अस्मत अपनी इज्जत अपने मान सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने पण किया होता अपने आप से कि हम सिर्फ अपने राजकुमार या अपने राजा पति की ही पत्नी है, बाकी अन्य के अन्य का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो वो अपने आप को, क्योंकि दूसरा राजा आएगा वो किस तरीके से उन्हें रख के जलील करे, परेशान कैसे, अच्छा है वो अग्नि में कूद करके या अपने जैसे चिता पे बैठ करके आग लगा करके अकेले नहीं मरती थी, कईयों को ले मरती थी, तो ये तो
गलत रहना वैसे उस जमाने के हिसाब से था ये जौहर करना। तो ये राजस्थानी जीके में आ जाते हैं जौहर क्या है। तो पद्मावती का जौहर बहुत प्रसिद्ध मानते हैं, ठीक है ना। वो कई बार कहते हैं कि भाई हम तो डूबेंगे फिर हम तो मेले में मरेंगे, वही बात है। और ये रानी के साथ में कुछ और भी थी, उनको उदासियों को मरना पड़ता था, आजकल ऐसा नहीं है ना। तो पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती के जौहर के लिए सब सखियों का आह्वान किया कि आइए, ठीक है। हमारे जो सेना है उसके जो भाई हौसले बुलंद थे, लेकिन अभी जो दुखद समाचार है तो उसके लिए क्या करते हैं, बुलाती है जनु। क्या देखें हमारे को पूरी पंक्ति में अर्थ आए ना आए नो प्रॉब्लम, क्या करेंगे जनो जानो मनो मानो ये सब डालेंगे उत्प्रेक्षा। जनो फुलवारी सभी चले, तो जैसे फुलवारी होती है फूलों की बाड़ी जो होती है, एक छोटा बगीचा होता है उसे फुलवारी कहा जाता है, जब फूल फूल लगे रहते हैं वहां। जैसे फुलवारी फूल ले आते हैं घर में किसी उत्सव को भाई सजाने मनाने के, उसी प्रकार से जैसे पद्मावती ने अपनी सखियों को अपनी दासियों को अपनी सहरानियों को बुलाया, तो दौड़ी भी ऐसे चली आई जैसे कोई फुलवारी सजाने की बात की हो। तो जब हम जैसे की बात कर रहे हैं कि जैसे फुलवारी को ऐसे सखी सब चली आई है, ध्यान रखें। तो ये हो गए जनो आते हैं, बढ़ गया उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे बढ़ते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गा, ठीक है। सोहत का मतलब भाई शोभा पाते हैं, ठीक है। और ओढ़े का मतलब ओढ़ना है, पट का मतलब होता है वस्त्र जो हम कपड़े पहनते हैं, पट कहते हैं, ठीक है। चलिए तो सोहत ओढ़े पीत पट, पीत का मतलब होता है पीला। हालांकि मैंने इसे रेडिक्यूशन आपको अभी एग्जाम में दिए थे, ठीक है ना। तो इसमें पट यानी वस्त्र होता है, पीत यानी पीला होता है। और श्याम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, सलोने का मतलब सांवला रूप होता है, गात का मतलब शरीर होता है गात, ठीक है। हमारा अंग होता है शरीर होता है, गात बोलते हैं, ध्यान रखना। चलिए तो बात करते हैं कि जो श्री कृष्ण है क्या करते हैं, उनका रंग तो कैसा हो गया, गात यानी शरीर है, शरीर कैसे सांवले रंग का है। और भगवान श्री कृष्ण है तो भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसे सांवला है। पट का मतलब वस्त्र पहन रखे कैसे, पीले वस्त्र पहन रखे और रखे, तो ऐसा लगता है बहुत अधिक शोभा पा रहे, चमक रहे। जैसे अब वो कैसे लग रहे, आप एक बात कर रहे, क्या कर रहे हैं, देखिए उपमेय के ऊपर उपमान समान हो गए, मनो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, मनो मानो बात हो जाती है, मनो को या मानो, मानो नीलमणि, नीलमणि पर्वत का नाम है, नीलमणि पर्वत चट्टान पर आतप आतप है, देखिए आतप प्रेम पर बात। जैसे कि सूर्य सुबह उदित होता है, सूर्य जैसे जैसे सुबह उदित होता है उसकी रोशनी थोड़ी गोल्डन कलर की होती है, पीली पीली रोशनी होती है। तो सुबह सूर्य उदय होता है उसकी रोशनी का जो फ्लेक्स गिर रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे श्री कृष्ण बैठे हैं, क्या पहन के, पीले वस्त्र पहन के बैठे हैं, तो जैसे उसका प्रकाश गिरता है, तो यहाँ पक्ष अलग है कि जैसे सुबह सूर्य उदय होता है तो जो नीलमणि पर्वत है, नीलमणि नाम के पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर जो सूर्य का, तो नीलमणि पर्वत क्यों कहते हैं, पूरा पूरा कालिक लगे हुए, काला सा रंग उसका नीला सा है, तो उस नीले पर्वत पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो पर्वत कैसे दिखता है, थोड़ा सा पीला पीला सोने जैसा उसका रंग हो जाता है, वो सुंदर दिखता है। ठीक उसी के जैसा क्या हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण है, उनका रंग तो कैसे हो गया, नीलमणि के जैसे सांवला हो गया है, और जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो पीला पीला होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहन रखे हैं। पूरी पंक्ति का मतलब ये होता है कि देखिए जब सूर्य उदय होता है तो नीलमणि पर्वत का रंग भी सोने जैसा हो जाता है, वो सुंदर मनोहारी हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण जो भगवान है उन्होंने उनका सांवला शरीर है, सांवला रंग का जो वर्ण है उसके ऊपर पीले वस्त्र जो पहन रखे, तो वो ऐसे शोभा पा रहे जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, ठीक है। सुबह सुबह तो हमें अच्छी कर लिया हमने, और मनो मानो जुनू जाने की बात करके यहाँ पे क्या हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों अलंकार का टॉपिक है इसे आप हल्के में ना लें, सरल नहीं है, परिवार सब पढ़ना पड़ता है। हाँ ये बात अलग, अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद है, 15 दिन छोड़ दीजिए फिर देखिए आप अलंकार किताब कॉपी में हमारे देखेंगे पढ़ेंगे तो मतलब गायक का बच्चा वैसे फिर वैसे वाला गायक नहीं छोड़ देगा। कारण उत्प्रेक्षा के जो ये मैं पूछूंगा इसमें कुछ और आप बताएं कुछ और, इसका मतलब है प्लीज इन चीजों को वीडियो आप दो बार देखें पहले समझें कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर इसको एज इट इज कॉपी में नोट करना है, और फिर इसका जो टेस्ट होता है पूछ जाता था आप शहर से उत्तर दे सकते हैं। अभी जब मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, बहुत अच्छा आंसर देते हैं बच्चे, तो बड़ी खुशी होती है बच्चे कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि ये अलंकार बड़े बड़े जो एग्जाम्स आते हैं उनमें पूछ जाते हैं वहाँ पे हम गलत कर लेते हैं, ऐसा आप ना करें। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, विनती है कि आप अलंकार के टॉपिक को ठीक से पढ़ें, आपके पास मैम के नोट्स भी होंगे वीडियोज भी हैं, तो प्लीज ठीक से पढ़ना है, ध्यान से सुनना समझना है, समस्या है तो पूछना जरूर है। तो इसके बाद हमारे एक
दो रंग का ध्वज है जो अपनी क्लास में करा देंगे आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।